नमस्कार दोस्तों, हिमाचली उथड्डा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो भी एचपी पुलिस या फिर जेबीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड, रेलवे का, एनटीपीसी का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, ऑफिस असिस्टेंट का, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी हो गया, कांगड़ा कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, उन सब में मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन इस तरह के ही पूछे जाते हैं। और मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया था जेबीटी का एंट्रांस, उसके लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से उठाया है। ये 25 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है बहुत ही ईजी वे में। जिसको मैथमेटिक्स बहुत टफ लगता है उसको ये देख करके लगने वाला है कि मैथमेटिक्स थोड़ा ईजी है और हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। इसमें हम बेसिक्स कंसेप्ट को भी सीखेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये सारा सिखाने वाला हूँ। तो अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिमाचली उथड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जितनी भी हम नई वीडियोस डालते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सीधे पहुंच जाए। और आगे चल करके हम सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स के जितने भी बेसिक्स होते हैं उनको डिस्कस करें, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एचपी पुलिस हो गया, जेबीटी का एंट्रेंस हो गया, और जितने भी कॉम्पिटिटिव आएंगे, रेलवे है, IBPS, इवन IBPS PO क्लर्क के जो भी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है, वो हम आगे चल करके अपने इस चैनल में उनके रिलेटेड वीडियोस डालने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब शुरू कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट उतारे हैं पिछले साल के JBT के एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर के, और इनको मैं आगे आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रहा है वो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक कार है जो कि रोड पर खड़ी है, और साथ में ही एक टावर है थोड़ी दूर पर कार से, जिसके ऊपर से टावर पर चढ़ के अगर आप कार की तरफ देखें तो एक एंगल बनता है, जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो वहाँ से आपको क्लियर होगा, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का बनता है। तो थोड़ा सा एक जस्ट आइडिया मैं आपको देता हूँ, सॉल्व में से आगे ज़रूर करूँगा, पर एक छोटा सा हिंट कि मान लीजिए ये आपका टावर है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कार खड़ी है, ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कैसे बनाया जाता है, ये जो आपका नीचे रोड होगा, टावर जो है वो कार के साथ, कार और टावर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा ना, उसके अपोजिट आपने एक पैरेलल लाइन बनानी है इस तरह से, ठीक है। तो इस लाइन के बीच में और ये जो आपने देख रहे थे कार को, इसके बीच में जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो मैं अगले पेज पर आपको दिखाता हूँ, ये आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक आंसर होगा। तो टावर की हाइट दी है, एक बार देख लीजिए, 150 मीटर, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। इसको यहाँ पर मैं विजुअलाइज़ आपको करा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जी ये आपकी जो है कार खड़ी है, ये आपकी कार है यहाँ पर, और यहाँ से आप टावर पर खड़े होकर जब कार को देख रहे हैं, तो यहाँ से जब आप इस पॉइंट को जोड़ेंगे, ये तो आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, इसके पैरेलल आप एक यहाँ पर लाइन लगाइए हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से। तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक जी। अब ये तो आपको बेसिक मैंने बताया कि आप टावर पर यहाँ पर खड़े होकर के कार को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये टावर की हाइट जो है 150 मीटर्स की है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये वाला एंगल वो है 30 डिग्री का, और बोला गया है कि कार की डिस्टेंस निकालिए टावर से, तो टावर के पैर से कार का डिस्टेंस निकालिए, तो हम ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक आपकी राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगी, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर होगा, और ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जो होंगे दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स अगर आपने बात की होगी, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, जब आपके पास कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरह से, तो और उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से होता है, कोई लाइन काटती है, तो ये जो एंगल उल्टी दिशा में है ये आपस हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वही, इसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की। तो यहाँ पर उसी तरह से जब आप ये इस तरह से बन रहा है, तो ये जो हैं आपस में अगर आप इनको बढ़ाएं
तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये आपका ट्रांसवर्सल बन गया, तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो बराबर होगा। ठीक, अब इसको मैं आपको आगे विजुलाइज करके दिखाता हूँ। मैंने एक फिगर बनाई है यहाँ पर, ये देखिए, तो ये फिगर है आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है। ये आपका 30 डिग्री एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री एंगल हो गया, और ये जो है राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये आपका बेस, अगर आप इसे ट्राइंगल मान लेते हैं, ए बी सी, अगर मैं इन बिंदुओं को मान लूँ तो ये ट्राइंगल बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी ए बी सी, और ये एंगल अल्टरनेट होने की वजह से 30 डिग्री के हो जाएंगे। तो एक हमें ट्राइंगल मिल गई जिसमें एक एंगल आपका 30 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, और तीसरा हमें पता नहीं, जो कि हम बड़े आसानी से निकाल सकते। बट मेन पॉइंट क्या है, हमें निकालना है कार और टावर के बीच का डिस्टेंस, जो कि क्या है, बेस। बेस है इस ट्राइंगल का ए बी जो है, हमें वो फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो मैंने यहाँ पर ये अपने हाथ से सॉल्व किया है। डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर पूछा है निकालने को, तो कितना है, बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस हमें निकालना है। ए बी अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट से। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको समराइज करा देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, अगर आपको रिजल्ट याद हो तो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा की वैल्यू भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है, याद रखिएगा, वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करने का एक कारण है, क्योंकि हमें निकालना है बेस, ए बी निकालना है, और हमें परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, और थीटा हमें पता है 30 डिग्री है। तो टेंजेंट थीटा एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम इसका निकाल सकते हैं, बेस, बेस यानी कि डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर। तो हमने लगा दिया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा। तो टेंजेंट अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि टावर की हाइट है और ये है 150 मीटर, डिवाइडेड बाय बेस यानी कि ए बी। ए बी ही हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर देखें तो क्या बन जाएगा। अब एक आपको टेबल याद रखना पड़ेगा जिसमें टेंजेंट साइन कोस टैन की वैल्यूज 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे क्या वैल्यूज होती हैं, वो आप याद कीजिए। अगर आप उस टेबल को रेफर करेंगे, टैन 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√3। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, और टेंजेंट 30 की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू 150/AB आ जाएगा। जब ए बी को इस तरफ ले जाएंगे, √3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू 150/√3, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बेसिक्स समझाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा वीडियो आपको लेंथी लगेगा। अगर आपको ये सब आता है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स द राइट एंगल एट इट सेंटर, द लेंथ ऑफ द कोर्ड इज। तो बोलता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और वो जो कोर्ड है वो सर्कल सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अब कोर्ड की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कोर्ड है क्या। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई सर्कल है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, ये सर्कल है यहाँ पर आपके सामने, ये जो है डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, और जब हम इसे दूसरे कोने के तक पहुँचा दें तो वो हो जाता है आपका डायमीटर। ठीक, डायमीटर, और अब डायमीटर तो क्या है, सेंटर को क्रॉस करता है। ठीक है, अब जो लाइन सेंटर को क्रॉस ना करे उसे कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कोड है। कोड इसको जो है कई हिस्सों में बांट देती है, जो छोटा वाला एरिया है इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, जो बड़ा वाला एरिया है उसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था, ये वही मैंने कोड बनाई है डिफरेंट डिफरेंट, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सर्कल है, मैं आपको इस फिगर को समझा देता हूँ अच्छी तरह से। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर जो है हमने कोड बनाई है ए बी। ठीक है, ए बी हमारी कोड है, और हमें इस कोड की लेंथ निकालनी है। अभी इन्होंने क्या कहा है कि कोड जो है वो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर मैं इसे आपको समझाऊं 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो इस सर्कल पर मैं आपको फिर से लेकर के आता हूं। 90 डिग्री का एंगल मतलब ये है कि कोई आपकी कोड होगी और इस तरह से सर्कल की तरफ जब ट्राइंगल बनेगी तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि ये वाला एंगल जो है
वो आपका 90 डिग्री का है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर इस ड्रॉ की है। अब 90 डिग्री का है तो मैंने क्या किया, अब मुझे तो ट्रायंगल का इस्तेमाल करना था क्योंकि मुझे ए बी निकालना है। ए बी लेंथ ऑफ द कोड पूछी है, ए बी किसके बराबर है ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है ए पी प्लस पी बी के बराबर है, ए पी प्लस पी बी। अगर मुझे ए पी और पी बी में से एक, अब देखो ए पी तो पी और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि सेंटर से जब इसको काट रहा है तो दोनों बराबर हिस्से होंगे, तो ए पी जो है वो ए बी के बराबर होगा, पी बी के बराबर, सॉरी ए पी जो है वो पी बी के बराबर होगा। अब ए पी और पी बी बराबर हैं तो दोनों में से मैं कोई भी एक निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे लेंथ ऑफ द कोड आ जाएगी। जैसे कि अगर मुझे पी बी पता है तो ए पी भी पता लग जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो मैं ए बी निकाल सकता हूँ, ये फंडा है। अब मुझे ए पी और पी बी में से कोई एक निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मैं ट्रायंगल का इस्तेमाल करूंगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का। ये देखिए ये एक त्रिभुज बन रही है, जब हम इसको काट रहे हैं देखो ये पूरा 90 डिग्री का हमने कहा था तो टूट के दो एंगल्स बनेंगे 45-45 डिग्री के और ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखिए है ना, 90 डिग्री का एंगल जब हम दो हिस्सों में करेंगे तो 45-45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये आपकी एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी आपकी त्रिभुज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कि जो ये एंगल बनता है इसके अपोजिट वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो ये हमारी फिगर को अगर मैं ऐसे करके बनाऊँ, इस ट्रायंगल को मैंने घुमा दिया तो ये इस तरह से बन जाएगी ए पी बी, ठीक है, और ये हो गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से ट्रायंगल है, यहाँ से मुझे ए पी निकालना है, तो बड़ा सीधा क्वेश्चन हो गया है अब हमारे लिए। जल्दी से मैं आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया था तो ये ए ओ की वैल्यू मैंने 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये मैंने पेन पेपर से खुद सॉल्व किया है क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वही बात है कि साइन की वैल्यू मैंने आपको बताई, कॉस की बताई, हमारे को यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ये मैंने यहाँ पर बना दी है ए पी ओ, जहाँ पर ओ एंगल जो 45 डिग्री है, ए ओ 10 सेंटीमीटर है और ओ पी हमने कैलकुलेट करनी है, ओ पी बेस कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटनियस, बेस अपॉन हाइपोटनियस, थीटा हमारे को पता है 45 डिग्री है, बेस अपॉन हाइपोटनियस यानी कि ओ पी अपॉन ओ ए, ओ पी ओ अपॉन ओ ए, ओ पी जो है हमारे पास वो क्या है वन बेस है और ओ ए हमारे पास हाइपोटनियस है, तो बेस अपॉन हाइपोटनियस। तो कोस 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी अपॉन ओ ए। अब ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए इस तरफ आएगा ना, है ना जी, ओ ए जो है वो इस तरफ आ जाएगा। मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर ओ पी को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाए, ओ ए को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ ए इंटू कॉस 45 डिग्री और ओ पी इज इक्वल टू 10 इंटू ओ ए, क्या है 10 है, यहाँ से आप देख सकते हैं 10 इंटू अंडर रूट 2, तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए हमारे पास ओ पी आ गया है, ठीक जी, अब हमारे पास ओ पी निकला है, हमारे को ओ पी भी पता है, हमारे को ए ओ भी पता है, ठीक, तो ए पी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ए पी निकाला जा सकता है। ए पी को कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम जो बचपन से सीखी है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, हमारे पास हाइपोटेनस हमें पता है 10 है और ओ पी जो कि हमने निकाला परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया है ओ पी, और सॉरी बेस हमने निकाल लिया है 10 अपॉन अंडर रूट 2, तो हम ए पी भी निकाल सकते हैं फिगर का। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की और आप देख सकते हैं कि ए पी जो है हमारा आ गया है अंडर रूट 50। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ए पी और पी बी बराबर है, अगर ये अंडर रूट 50 है तो ये भी अंडर रूट 50 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 50 हो जाएगा, तो आपकी लेंथ ऑफ कोड जो है वो 2 अंडर रूट 50 यहाँ पर हो गई। लेंथ ऑफ द कोड ए पी इज इक्वल टू पी वी जो कि अंडर रूट 50 है और ए पी प्लस पी बी लेंथ ऑफ कोड के बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 50 2 अंडर रूट 50 आंसर आ गया। अगर इसको आप फर्दर सोल्व करें तो 2 इंटू अंडर रूट के अंदर क्या है 50, 50 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक, ये मल्टीप्लाई रहेगा क्या आ गया देखिए 2 इंटू अंडर रूट 25, 5 इंटू 5 इंटू 2 बोल देंगे ना, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है तो 10 अंडर रूट 2 विल बी आंसर। ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन है,
तो सेकंड क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा इन क्वेश्चन में मैंने टाइम इसलिए दिया जानबूझकर, अगले के 25 क्वेश्चन जो हैं उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, वो मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा। ये इसलिए थे क्योंकि इनमें हमारे बेसिक्स थोड़े से कमज़ोर रहते हैं। अब 53rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात की गई है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ऐसी प्रोग्रेशंस होती हैं जिसमें मान लीजिए कोई सीरीज़ है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये इस तरह की सीरीज़ रहेगी, जिसमें कि अगर आप अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करें, हर अगली टर्म से हर पिछली टर्म को माइनस करें, तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो एपी में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी एपी दी रखी है जिसकी पहली टर्म k है, दूसरी 2k-1 है और तीसरी 2k+1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, k निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो आप कॉमन डिफरेंस का सहारा लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो सीरीज़ हमारे को दे रखी है k 2k-1 और 2k+1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, एक ए पी में इक्वल होता है। तो जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो इसको और इसको माइनस करने के बराबर आएगा। तो मतलब 2k-1 इससे जब इसको माइनस करेंगे, यानी कि 2k-1 माइनस के जब करेंगे तो किसके बराबर होगा, 2k+1 और 2k-1 के डिफरेंस के बराबर। तो हमने 2k+1 माइनस 2k-1 कर दिया। ये दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एपी की प्रॉपर्टी है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जब हम करेंगे इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2k से 1k कैंसिल हो जाएगा, तो k ही बचेगा, 1k बचेगा, 1k-1। और जब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन। और ये जब आपने ब्रैकेट खोली तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 1+1 2k-1 इज इक्वल टू 2 रह जाएगा और k विल बी इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके जो मैंने सॉल्व किया है इसको देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट 10 की फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4x²-8x+3। फैक्टर्स का क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं बट हम ओपनली कन्फ्यूज कर जाते हैं कि कैसे हम फैक्टर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बड़े इजीली वे में निकालता हूँ कि अगर फैक्टर्स निकालने को आ जाएं इक्वेशन के तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख ली है आपकी 4x²+8x+3। थोड़ा सा समय मैं इस क्वेश्चन पर भी लेने चाह रहा हूँ आपका। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, अगले क्वेश्चन पर आप मूव ऑन कर दीजिए। 4x²+8x+3 दिया है, ठीक। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप देखना है वो ये देखना है कि इस टर्म को और इस टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन तो कितना आएगा। जब हम 4x²³ करते हैं तो हमारे पास 12x² आ रहा है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है कि पहले का कॉफिशेंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या रहा है, या फिर आप x² साथ लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लीजिए। दूसरा ये आता है कि हमने इस मल्टीप्लाई करके जो आया इसके हिसाब से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। क्या करना है, सेकंड स्टेप है स्प्लिट। स्प्लिट करने का मतलब है कि जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कैसे करेंगे। स्प्लिट करने का सबसे हमारे पास सबसे बड़ा एक अगला चैलेंज आता है। तो देखिए 8x को हमने स्प्लिट इसी हिसाब से करना है कि जो दो चीज़ें, स्प्लिट करने का मतलब है दो में बांटना, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आए अलोंग साइन के साथ, और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये चीज़ आए प्रॉपर साइन के साथ। तो हमारे पास यहाँ +8x बना है, तो हमें इसे दो ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट करना था जिनको मल्टीप्लाई करके 12x² आए प्लस में, और जिनको ऐड करने में +8x आए या सब्ट्रैक्ट करने में +8x आए। तो 6 और 2 हमें ऐसे दो फैक्टर मिले जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो +12x² जो कि इसके बराबर है आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करूँ तो +8x ही आ रहा है जो कि इसके मिडल टर्म के बराबर है। तो ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। तो ये चीज़ था पहला, जो आपके कांस्टेंट टर्म है और जो फर्स्ट का कॉफिशेंट है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या रहा है। दूसरा, वो जो मल्टीप्लाई करके आया उसके हिसाब से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना जब आपको आ जाएगा तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से धड़ल्ले से हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो 4x²+8x+3, 8x का स्प्लिट हमने निकाल लिया, 6x+2x। अब हम क्या करेंगे, पहले से कॉमन ले लेंगे कुछ, तो ये दोनों में 2 और x कॉमन आ रहा था तो ये इस तरह से बन जाएगा, और सेकेंड टू 2x+3 ही है। अब क्योंकि हमने ये दो टर्म जो होती हैं, ये दो टर्म सेम बनानी होती हैं, ये दो टर्म जो हैं ये वाली और ये वाली सेम बनानी होती है, यहाँ पर ऑलरेडी बन गई हैं, तो ये दो टर्म कॉमन है, तो एक कॉमन टर्म हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x+3, और बाकी जो बचा वो ये है 2x+1। ये 2x+1 इकट्ठा करके लिख देंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये बन जाएंगे फैक्टर्स।
अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस ब्रैकेट को खोलिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यही इक्वेशन वापस मिल जाएगी। तो ये होते हैं फैक्टर। तो उम्मीद है आपको फैक्टराइज करना अब आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज़। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर हमने निकालना है, रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4πr², 4πr², पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 और आर 7 सेंटीमीटर। जब इन वैल्यूज़ को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर मतलब 7 का स्क्वेयर, है ना। आराम से लिखूँ आपके लिए, यहाँ पर मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। 4πr², 4 × 22/7 इंटू 7 × 7, तो एक साथ से दूसरा साथ कट जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर जो कि 616 सेंटीमीटर, यानी कि ए जो है वो उसका आपका आंसर रह जाएगा। सो 616 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। 56 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 बोलते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट डैश ऑफ ए सर्कल। तो डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, आर्क है, कोड है, एरिया है, सर्कमफ्रेंस है। तो ये होती है कोड। मैंने कोड के बारे में आपको बताया था ना कि डायमीटर वो जो सर्कल से पास हो और जो सेंटर से पास हो, जो सेंटर से पास नहीं होगा वो कोड। तो डायमीटर भी बेसिकली कोड ही है, बस वो सेंटर से पास होती है। तो ये कोड जो है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर। तो डायमीटर की ये डेफिनेशन इसे आप याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। जब भी मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो, बेस क्या है, मान लीजिए ये कोई चीज़ आपके पास इस तरह से लिखी हो ना पावर की फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 3^2 लिखा है तो ये हो जाएगी पावर और ये हो जाएगा बेस। जब आपके बेस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जब आपके बेस सेम है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये सारे बेस 3, 3, 3 ही है, जब मल्टीप्लाई में, गुणा में बेस सेम हो तो पावर्स अपने आप ऐड हो जाती हैं। तो बेस जो है सेम है तो एक ही बेस आएगा जवाब में, और जो पावर्स हैं 2 है, इसकी क्या है, 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, इसकी 6 है, 2, 4, 8, 6 ये आपस में जमा हो जाएंगी। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 20, इन सबको ऐड करेंगे तो 20 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 20, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 55 डिग्री, 70 डिग्री, 85 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल माने, क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए, जिसकी 4 भुजाएं हों, इस तरह से रेक्टेंगल की तरह होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बोलते हैं कि अब देखो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हुए, ठीक, और 3 एंगल हमारे को दे रखे हैं, 1 55 डिग्री, 1 70 डिग्री, 1 85 डिग्री, बोला है चौथा क्या है। बस इसमें छोटी सी ही बात यूज होगी कि जो भी क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 दिशाओं वाली फिगर होती है, उसका जो सम ऑफ द एंगल्स हैं, सभी एंगलों का जो जोड़ है वो 360 डिग्री के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 360 डिग्री बराबर। इन तीनों का जोड़ निकालिए, 55, 70, 85 का, 55, 70, 85 का जब आप जोड़ निकालेंगे और उसको जब 360 से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर है 150, इसका आंसर है 150, ठीक है। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है ना दोस्तों, आई होप आप एक खुद कर लेंगे। 59 है, LCM निकालना है 12, 15 और 21 का। अगेन बहुत आसान सवाल पूछा गया है, बट LCM हम सबको निकालने नहीं आता। LCM कैसे निकालते हैं, इस तरह से, इस तरह से 12, 15, 21। अब LCM की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 से, 2, 2, 6 12, 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 15 को ऐसे ही लिखिए, 21 नहीं आता तो 21 को ऐसे ही लिखिए, फिर से 2 से कीजिए, 2, 3 जा 6, 15 को वैसे ही रहने दीजिए, 21 को वैसे ही रहने दीजिए।
अब थ्री के टेबल से स्टार्ट करें, क्योंकि टू के टेबल में कुछ नहीं आता, थ्री के टेबल से स्टार्ट कर दीजिए। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन एंड थ्री सेवन ज़ा 21। अब पाँच जो है वो पाँच से जाएगा, सात सात से जाएगा, तो आपका जो एलसीएम होगा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पाँच गुणा सात हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनको जब आप गुणा करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा 420। ठीक है, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व और सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव, सेवन फाइव थर्टी फाइव, जब आप इनको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। क्या आंसर आएगा आपका? 420। तो इस 420 यानी कि सी जो है वो आपका आंसर रहेगा। 60th क्वेश्चन, 60वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न क्या है? सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है? तो इसका 60 का आंसर है आपका सी 2πRH। ठीक है, 60 का आंसर है 2πRH। देन 61st क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ नंबर 729 इज, क्यूब रूट मतलब जब आप किन्हीं तीन चीज़ों को गुणा करते हो तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो बताइए कौन सी तीन ऐसे, कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको तीन बार अपने आप से गुणा करें तो 729 आएगा? तो ऐसा नंबर होता है आपका 9 को 9 से गुणा करो तो 81 को फिर से 9 से गुणा करो तो 729। तो क्यूब रूट का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसे खुद के साथ तीन बार मल्टीप्लाई करें तो ये या कुछ भी आपसे पूछा हो तो वो आना चाहिए। जैसे जैसे 8 का क्यूब रूट पूछा हो तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को तीन बार गुना करो तो 8 आता है, तो 2 जो है 8 का क्यूब रूट है। ये जनरल एग्जांपल था। इसका आंसर जो है वो 9 है, इसका आंसर जो है वो 9। 62 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस ए, तो ये रिज़ल्ट आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी अगर वीडियो आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। इसका आंसर है कोस ए। ठीक है, इसकी एक अपनी थ्योरी चलती है, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इसका आंसर कैसे आया कोस ए जानना है तो। 63rd क्वेश्चन की बात करते हैं। 63rd क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताइए। ए और बी को दो पॉइंट्स हैं, ए 2-3 और बी 4-1 को दो पॉइंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको इसका बेसिक नहीं आता है। बेसिक क्या है? बेसिक ये है, मैं आपको अगले पेज में दिखा देता हूँ, कि अगर मान लीजिए ए बी को दो पॉइंट्स हैं, ए 2-3 बी 4-1 किसने पॉइंट दिए हैं, ए और बी दो पॉइंट्स है ना, ए क्या है, ए है 2-3 और बी है 4-1, ए 2-3 है, ए 2-3 है और बी 4-1 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर दो पॉइंट्स को मैं इसको x1 y1 मानूं, इसको x2 y2 मानूं, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फार्मूला बोलता है y2 माइनस y1 प्लस का स्क्वेयर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वेयर का अंडर रूट जो है, ये आपका दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो पॉइंट दिए गए थे उनमें से y2 की वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ पर कंपेयर करें तो x1 है आपका 2, y1 है आपका 3, x2 है आपका 4 और y2 है आपका 1। ठीक है, इन वैल्यूज़ को जब आप उस डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी इस तरह की इक्वेशंस बनेंगी, और जब आप इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका आंसर जो है वो 2√2 आ जाएगा। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वैसे आपको समझ आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया है, और आंसर जो है आपको फटाक से निकल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्वेयर रूट ऑफ 64, क्यूब रूट में क्या बोला था? कि जब किसी एक ही नंबर को अपने साथ तीन बार गुणा करें तो वो नंबर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से स्क्वेयर रूट ऑफ 64 बोला है, तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है स्क्वेयर में दो बार, जब उस नंबर को अपने साथ दो बार गुणा किया जाएगा तो वो हमें 64 देगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 8 × 8 करेंगे तो क्या आएगा जी? 64। तो 64 का स्क्वेयर रूट क्या है? 8। समझ में आएगा, क्यूब रूट में तीन बार, स्क्वेयर रूट में एक बार, दो बार। तो 64 का आंसर क्या है? 64 का आंसर है ए। 65 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा ये अच्छी तरह से नहीं आ पाया है क्वेश्चन। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है
कि जब आप किसी चीज में कुछ ऐड करो तो वो जीरो आंसर दे दे, तो 2 बाय 8 में आप क्या ऐड करेंगे कि वो आपको आंसर जीरो दे। एडिटिव इनवर्स ऐसे निकालते हैं, क्या ऐड करें। इसी तरह की नेगेटिव क्वांटिटी, -2 बाय 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो आंसर क्या है, डी। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 बाय 8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है 66 क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने के बाद इस वीडियो का मैं बंद कर देता हूँ अभी पार्ट वन, और पार्ट टू जो है इसी के साथ अपलोड कर दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसका दूसरा पार्ट ढूंढ लीजिएगा, वो कर देंगे। इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, ताकि अगली वीडियो जो है वो दूसरे पार्ट में बना दूँ, अभी ही बना के थोड़ी देर में वो वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2x - x + 3 इज इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या है, तो बड़े आसानी से मैं आपको बता सकता हूँ, 2x माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो x, माइनस को जब आप इधर लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3, और किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यहाँ पर आप देखो 2x - 1x, ये सिर्फ x बचेगा, 1x बचेगा ना, 1x जब कुछ नहीं है तो 1x, -3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ तो अगर 3 को इस तरफ ले जाऊँ तो 5 + 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 + 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 + 3, और ये किसके बराबर है, 8 के बराबर, 8 के बराबर हो गया। तो आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ डी। तो 66 क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। इस वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पर पॉज करता हूँ, और ये पार्ट वन है, पार्ट टू जल्द ही आपको आज ही की डेट में दूसरा भी मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा पार्ट टू इसका। तो चलिए, अब तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, और आपको इस तरह का स्टडी मटेरियल फ्यूचर में चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम इस चैनल के माध्यम से डालते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम डालना शुरू कर दिया है हमने, और आगे भी डालते रहेंगे। हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा जो कि थोड़ी ही देर में हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।